नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ मानव डोभाल। आइए डालते हैं एक नजर देवभूमि उत्तराखंड से जुड़ी खबरों पर। राजधानी देहरादून में ग्रेड पे में कटौती से नाराज पुलिस कर्मियों के परिजन आज धरने पर, फोर्स की गई तैनात। तमाम दलीलों और मान मनोबल के बावजूद उत्तराखंड पुलिस कर्मियों के परिजन ग्रेड पे के मसले पर आज राजधानी देहरादून के गांधी पार्क पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि पुलिस कर्मियों को पहले की तरह 4,600 रुपए ग्रेड पे दिया जाए। वहीं इसके साथ डीजीपी अशोक कुमार भी पुलिस कर्मियों के परिजनों से धरना प्रदर्शन ना करने का अनुरोध कर चुके हैं। तो वहीं सीओ सिटी अमित कुमार ने धरना स्थल पर पहुंचकर धरने की वीडियोग्राफी करने समेत कई निर्देश दिए हैं। इस बीच देहरादून एसएसपी योगेंद्र रावत ने कहा कि परिजनों की समस्या का संज्ञान शासन प्रशासन द्वारा लिया जा चुका है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके लिए एक कैबिनेट कमेटी का गठन किया गया है, जिसकी 27 जुलाई को बैठक प्रस्तावित की गई है और निश्चित रूप से कोई सकारात्मक परिणाम सामने आएगा। आइए पूरी खबर जानते हैं देहरादून से हमारे संवाददाता विक्रम श्रीवास्तव की इस रिपोर्ट में। ये अभी कोई आंदोलन नहीं है, ये रिक्वेस्ट है सरकार से, क्योंकि ये कोई वो नहीं है कि कोई नाजायज मांगे या जायज मांगे। 4600 पहले से चलता आ रहा है ग्रेड पर, अभी की बात नहीं, 97-98 तक 4600 है। 2001 से बंद क्यों, क्या बात है, मतलब 2001 वाले नौकरी नहीं करते। 2001 से हमें 4600 लास्ट 2012 तक चाहिए, सबकी मांगे हैं और ये एक मिलने का हक है। ये वो भी नहीं है कोई नाजायज मांगनी है और ये मिलनी भी चाहिए, ये आंदोलन नहीं है ना, हम मांग रहे ना। 27 तारीख की बात है तो 27 तारीख को डिसीजन लिया जाता है, उसमें हमें कोई वो नहीं है, धोखा है हमें। ये जब और डिपार्टमेंट का आज हो सकता है तो शासन निर्देश आज ही जारी करो। ये कोई वो नहीं है कि नाजायज मांग, भेदभाव क्यों है, पुलिस डिपार्टमेंट में भेदभाव नहीं होना चाहिए। भेदभाव अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होती तो फिर आगे आंदोलन केवल हमारे पुलिस परिवार ने सरकार से रिक्वेस्ट करी है। अगर 27 तारीख को हम 27 तारीख को भी नहीं मानते, क्योंकि हम 4 साल से सुनते आ रहे हैं, 2016 से हम सुनते आ रहे हैं, उस दिन होगा, ये इस तारीख को होगा, इस महीने को होगा, इस साल को होगा, लेकिन अभी तक हमारी मांग पूरी नहीं हुई। अब हमें सिर्फ आज और अभी शासन निर्देश जारी चाहिए, चाहे इसमें कोई भी आए, लेकिन हमें आज यहाँ पे बिना शासन निर्देश जारी करे हुए नहीं जाएंगे, ये हमारी मांग है। मजबूर हमें कोई, हम कोई वो राजनीतिक पार्टी से तो है नहीं, हम परिवार का कोई मतलब नहीं था, और हमें अच्छा नहीं लग रहा हम कड़क में खड़े होके मतलब नारे लगा रहे, वो ये हमारे उसमें नहीं है, ये हमारे कल्चर भी, ये हमारी सभ्यता में भी नहीं है। बस हम किसी पार्टी के नहीं, हमें अपने पतियों के उसके लिए हम आगे आए हैं, परिवार के लिए आए गए। इस महंगाई ठीक है, हक है, महंगाई का जमाना है, आप देख लीजिए खुद इतनी पैसे क्या होता है, बच्चे तो सबने पढ़ाने ना, तो हमें ख्याली चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। पुलिस परिवार के सभी सदस्यों से यह अपील करना चाहता हूं कि कतिपय तत्वों के बहकावे में आकर ऐसा कोई कार्य न करें जिससे पुलिस विभाग की छवि खराब हो और शासन के बारे में नकारात्मक माहौल पैदा हो। हम लोग एक वर्दीधारी अनुशासित पुलिस बल का सदस्य हैं, जिनसे कि मर्यादा और अनुशासन के उच्चतम मापदंडों की अपेक्षा की जाती है। हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि वर्दीधारी होने के कारण संपूर्ण समाज की निगाहें हमारे आचरण पर रहती हैं और हमारे आचरण से कोई ऐसी भी बात परिलक्षित नहीं होनी चाहिए जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार का नकारात्मक छवि पुलिस के बारे में बने। आपकी समस्याओं का संज्ञान शासन प्रशासन पीएचक्यू और सरकार के उच्चतम स्तर पर लिया जा चुका है। एक कैबिनेट कमेटी का गठन इसमें किया जा चुका है, जिसकी 27 तारीख को बैठक प्रस्तावित है और निश्चित रूप से आपकी समस्याओं के बारे में कुछ ना कुछ सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। पुलिस बल का मुखिया होने के कारण मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि यदि कोई पुलिसकर्मी इस प्रकार की गतिविधियों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लिप्त पाया जाएगा तो बाध्य होकर उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए हमें मजबूर होना पड़ेगा। अतः ऐसा कोई कार्य न करें जो कि भविष्य में किसी प्रकार की समस्या को जन्म दे। अंत में एक बार पुनः आपसे अपील है कि विभाग की मर्यादा अनुशासन और निष्ठा के उच्चतम मापदंडों को स्थापित करते हुए ऐसा कोई कार्य न करें जो कि भविष्य में पुलिस के प्रति एक नकारात्मक माहौल एक नकारात्मक संदेश दे। धन्यवाद। 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस, चुनाव घोषणा पत्र समिति का किया गठन। 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस अब मैनिफेस्टो को तैयार करने में जुट गई है, जिसे लेकर पार्टी द्वारा चुनाव घोषणा पत्र समिति का गठन भी किया गया है।
इस बात को लेकर समिति के संयोजक और कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बताया कि बेरोजगारी, महंगाई, बदहाल अर्थव्यवस्था समेत कई विफलताओं से जनता परेशान है, जिसकी वजह से जनता 2022 में बीजेपी को जरूर सबक सिखाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि वह जल्द मैनिफेस्टो कमेटी के सदस्यों की बैठक आयोजित कर कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करेंगे। जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार से 4.5 वर्षों में इस राज्य का भट्टा बिठाया, राज्य में रोजगार से लेकर के, महंगाई से लेकर के, महिलाओं के खिलाफ अपराध से लेकर के, किसानों की आत्महत्या से लेकर के, इस पर कांग्रेस पार्टी ने लगातार जो 4.5 वर्ष संघर्ष किया है, अब पार्टी पूरी तरीके से जनता के बीच में इन मुद्दों पर जो हमने संघर्ष किया है, उन तमाम बातों को लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर जो हमारा नया ढांचा पार्टी ने घोषित किया है, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष गणेश गोदियाल, हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री प्रीतम सिंह, हमारे चुनाव कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष श्री हरीश रावत, सारे सीनियर लीडर्स, इनके मार्गदर्शन में हम पूरे प्रदेश के अंदर तमाम लोगों से राय मशवरा करके पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र तैयार करने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हमारे अध्यक्ष नवप्रभात जी और मैं संयोजक के रूप में हम लोग प्रदेश के तमाम वर्गों से बातचीत करके राज्य का एक ऐसा घोषणा पत्र तैयार करेंगे जो जनमुखी हो, जनता के सरकारों से जुड़ा हो, जनता के लिए। मुफ्त बिजली योजना को लेकर राजधानी देहरादून में आम आदमी पार्टी ने की प्रेस वार्ता, कहा प्रदेश में हुई है एक नए युग की शुरुआत। राजधानी देहरादून में आप पार्टी ने प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस बीच आप नेता रविंद्र जुगरान ने कहा कि गारंटी कार्ड बिजली कैंपेन योजना के अंतर्गत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 300 यूनिट निशुल्क बिजली, जो उत्तराखंड के जनता का अधिकार है, वह देने की शुरुआत की है। साथ ही उन्होंने कहा कि 7 दिन के अंदर लगभग 1.5 लाख लोगों ने अपने आप को निःशुल्क गारंटी कार्ड बिजली योजना के अंतर्गत पंजीकृत करवाया है और यह एक नए युग की शुरुआत हुई है। गारंटी कार्ड यानी बिजली कैंपेन योजना में जो केजरीवाल जी ने 300 यूनिट निशुल्क बिजली उत्तराखंड वासियों को, जल, जंगल, जमीन, प्राकृतिक संसाधनों पे जो उत्तराखंडियों का अधिकार है, वो देने की शुरुआत करी है। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। 7 दिन के अंदर लगभग 1.5 लाख लोगों ने अपने को रजिस्टर कराया है बिजली कैंपेन के अंदर, बिजली गारंटी योजना के अंतर्गत, और ये एक नए युग की शुरुआत हुई है। हम 4 दशक से सुन रहे हैं कि जल, जंगल, जमीन, पानी पर, प्राकृतिक संसाधनों पर उत्तराखंड वासियों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। ये शुरुआत किसने करी? आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल जी के नेतृत्व में करी, और ये गारंटी कार्ड देकर बाकायदा की जा रही है। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और कोरोना वायरस की इस जंग में सुरक्षा गाइडलाइन का पालन करें। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।